उपासना करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से और चुनौती से, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं, देश, रिलीजन, पंथ, मत, संप्रदाय है, सबने ईश्वर की कल्पना की है, पर ईश्वर की कल्पना में बाकी सारे मत संप्रदायों में कहीं स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ पुरुष तत्व। और सिर्फ हमारे यहां स्त्री तत्व में साक्षात देवत्व और ईश्वरीय तत्व का स्थान दिया गया है। हमारे यहां वैष्णव है, शाक्त है और शिव है, तो सिर्फ हम ही एक सभ्यता है जहां अर्ध नारीश्वर की भी कल्पना की गई है, अर्थात आधाधा स्थान। और सिर्फ वो कल्पना नहीं की गई, उसको किस रूप में व्याख्या की गई है? व्याख्या ये है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वागार्थमि संप्रक्तौ वागार्थमि प्रतिपदये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर ने का अर्धनारीश्वर स्वरूप में माँ पार्वती और शंकर जी का स्वरूप उसी प्रकार मिलकर रचना करता है सृष्टि की, जैसे कविता का शब्द और अर्थ। यदि अर्थ ना हो तो शब्द का कोई महत्व नहीं, और यदि शब्द ना हो तो अर्थ की कोई अभिव्यक्ति नहीं। तो इस प्रकार से आप समझिए कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति एकमात्र संस्कृति जहां पर धर्म ग्रंथों पर व्याख्या करने और शास्त्रार्थ करने का अधिकार स्त्रियों को दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, 20-22 वैदिक काल की स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने वेदों पर व्याख्या की है। और इतना ही नहीं, वेदज्ञ प्रकांड विद्वान ऋषियों से शास्त्रार्थ किया है, गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ, संध्या ने ऋषि मेधातिथि के साथ। फिर मैं चुनौती से पूछता हूं हमारे ऊपर ज्ञान देने वाले लोगों, बताओ तुम्हारे यहां धर्म ग्रंथ में कहीं टिप्पणी करने का अधिकार भी स्त्री को है? डिस्कशन करना तो बहुत दूर की बात। और चूंकि यह देवी का पर्व, एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, सबसे सामान्य और प्रसिद्ध शास्त्रार्थ कौन था? आचार्य मंडल मिश्र और शंकराचार्य जी का। उसमें जज कौन था? आचार्य मंडल मिश्र की पत्नी उभय भारती। अब बताइए दुनिया में मुझे कोई सभ्यता लाकर दिखा दीजिएगा जहां पहले तो धर्म ग्रंथ पर डिस्कशन का अधिकार हो, डिस्कशन में सिर्फ पार्टिसिपेट करने का अधिकार ही नहीं हो, जूरी बनने का अधिकार स्त्री को हो, तो मैं गलती मान लूंगा। आप सोचिए कितना विराट हमारा यह विचार, कितनी विराट हमारा स्वतत्व। बहुतों को पता होगा कि हिंदू धर्म में भिन्न भिन्न अखाड़े हैं, हमारे 13 अखाड़े, और उन अखाड़ों में अभी पिछले कुंभ में पहली बार ऐसा हुआ है कि अखाड़े की महामंडलेश्वर एक महिला बनी है, निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हैं, वो पहली महिला महामंडलेश्वर बनी है। फिर मैं पूछता हूं दुनिया में कोई एक जगह तो बताओ जहां रिलीजन में किसी सेक्ट का चीफ महिला हो। और मैं सिर्फ वही नहीं कह रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति बनी है, वो जानते हैं क्यों? नहीं, बाकी सब तो अपना लोग व्याख्या करेंगे और वो उनका व्यक्तित्व अपनी जगह, मैं तो इसको दार्शनिक दृष्टि से देखता हूं। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो क्या सीधे हो गया था? नहीं, पहले तो राज्याभिषेक होते ही षड्यंत्र हो गया था, षड्यंत्र के बाद वनवास हो गया था, वनवास के बाद, वनवास में भी सीधे राज्याभिषेक नहीं हुआ था, पहले माता शबरी का सम्मान हुआ था, निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, तब राम का राज्याभिषेक हुआ था। तो जब भव्य राम मंदिर बनने वाला था तो ये कैसे संभव है कि समाज के हर वर्ग को, हर उस समुदाय को जिसको कि हम कहते हैं समाज की सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़ा हो, वो जब तक सत्ता में आके स्थापित नहीं होगा। तो भगवान की लीला ऐसे ही नहीं है, वही उस काल में भी थी और वही आज काल में भी, आज के काल में भी है, तो मैं इसी को वह प्रतीक पाता हूं।